हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपनी कमर कस ली है, और कसें भी क्यों ना, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ना तय जो किया है। अब की बार 75 पार का नारा देने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनता का समर्थन जुटाने के लिए खुद जन आशीर्वाद यात्रा लेकर निकले हैं। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनावों में टिकट की दावेदारी करने वाले बीजेपी के सभी नेता प्रदेश के मुखिया को रिझाने के लिए पूरा दमखम दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। गुरुग्राम से बीजेपी के जिला सचिव नवीन गोयल हो या बीजेपी नेत्री गार्गी कक्कड़, मुख्यमंत्री जी 4 साल के बाद उन्होंने हरियाणा में इतने काम किए, आशीर्वाद बजार आ रहे हैं और उनकी जन आशीर्वाद यात्रा आज पूरा गुरुग्राम भव्यता से उनका स्वागत करना चाह रहा है, अभिनंदन करना चाह रहा है और सब उनका इंतजार कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। सभी जनप्रतिनिधि अपना अपना दमखम दिखा रहे हैं, ऐसे में आप अपने आप को किस पायदान पे मानते हैं? मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैं कुछ भी नहीं मान रहा अपने आपको। पार्टी का काम है, मेरा काम है सच्चे मन से काम करना, मैं सच्चे मन से काम कर रहा हूँ और मेरे युवाओं का, मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद मेरे साथ है, जो होगा अच्छा होगा। आपको मौका मिलता है चुनाव लड़ने का, तो क्या आपके जनता के लिए क्या करना चाहिए? हमारी पार्टी ने बहुत काम किए हैं, लेकिन गुड़गांव की जनसंख्या जैसे बढ़ रही है तो समस्याएं बढ़ रही है, तो हमारे पास एक नए विजन से काम करना है, हमें युवाओं को साथ लेना है और एक हमारा जो जाम की समस्या है उसके लिए, पर्यावरण के लिए बहुत काम करने की इच्छा है, एजुकेशन और हेल्थ के लिए हमारे सत्यम जी को ज्यादा हॉस्पिटल कैसे खुले और पुलिस कैसे खुले उसके लिए हमने काम करना है, और बहुत सारी योजनाएं हैं। वहीं जब मुख्यमंत्री ने इस जन आशीर्वाद यात्रा का रुख फरीदाबाद के लिए किया तो बीजेपी नेता सतीश फागना अपने समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री का जोशीला स्वागत करते नजर आए। जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हो चुकी है और जनता का सैलाब मुख्यमंत्री के आगे आगे है, हजारों की संख्या में लोग मुख्यमंत्री के आगे आगे चल रहे हैं और लगभग 74 के करीब आज फरीदाबाद में कार्यक्रम है सभी 6 विधानसभा में, और सभी के सभी कार्यक्रम पूर्ण रूप से सफल हो रहे हैं। अच्छा, क्या मानना है कि इस बार 75 पार वाला जो नारा दिया है उसमें क्या सफलता मिली? बिल्कुल, इस बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 75 पार का नारा दिया है, पर मुझे जनता का जो ये सैलाब है और जन समर्थन को देखते हुए लग रहा है इस बार हम 75 पार, लगभग 80 से भी ऊपर हमारे जो हैं विधायक चंडीगढ़ पहुँचेंगे। मुख्यमंत्री की यात्रा से उत्साहित प्रथला विधानसभा के विधायक टेकचंद शर्मा भी बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने की दावेदारी ठोकते नजर आए और उन्होंने कहा कि 75 नहीं 80 पार होंगे इस बार। अपने काफिले को लेकर जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर फरीदाबाद पहुंचे तो उनकी अगुवाही केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि दूसरी पार्टियों से बीजेपी में शामिल हुए विधायकों के साथ भी उनका समान व्यवहार रहता है। नागेंद्र भराणा जी जो इंडिपेंडेंट जीते थे, लेकिन पहले दिन से भले ही दूसरी पार्टी से जीते थे, लेकिन इन्होंने पहले दिन से ही ये कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखता हूँ। इनके कहने पर जितने काम इन्होंने कहे सारे के सारे हमने काम कराए, हमने कभी नहीं सोचा कि हमारी पार्टी का मैंने है कि नहीं। इस जन आशीर्वाद यात्रा ने भले ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के मनोबल को बढ़ाया हो, लेकिन जनता की दबे सुर में निकल रही आवाज को भी उन्हें जरूर सुनना चाहिए। जनता पूछ रही है कि फरीदाबाद को NCR के सबसे पहले सैटेलाइट टाउन का खिताब प्राप्त था, लेकिन आज वो नाम कहीं नजर नहीं आता। गुरुग्राम किसी समय उत्तर भारत में IT का हब माना जाता था, लेकिन आज पुणे और विशाखापट्टनम रेस में काफी आगे निकल गए हैं, जबकि खट्टर सरकार के 5 साल पूरे होने को हैं। ऐसे में यहाँ का युवा रोजगार के लिए किससे उम्मीद करे? ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार सिटी 24।